Assalamu alaikum everyone, once again welcome back to another video. So in this video we're going to talk about the themes which we found in the novel Jays written by Toni Morrison. ठीक है, टोनी मॉरिसन की नॉवल है जिसका नाम है जेज. उसके अंदर के थीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले के वीडियो में, यानी कि इसी टॉपिक के पहले पार्ट में, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स. वी डिस्कस अबाउट द राइटर्स इंट्रोडक्शन, द नॉवल्स इंट्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ द टाइटल जेज, राइटिंग स्टाइल ऑफ द writer and characters and their characterization. So we discussed so many important and significant things in that video too. So if you haven't watched that video, pehle woh wali video dekhen, wahi se aage continue ho rahi hai, so that aapki understanding ek better or organized tarike se ban jaye. So let's talk about the themes. Theek hai, yahan pe bahut sare themes hain. The first theme is love and passion. In Jays by Toni Morrison, love and passion are central themes that weave through the intricate tapestry of the novel. Set against the backdrop of 1920s Harlem, the story delves into the complexities of human emotions and relationships. The forbidden love affair between George Trace and Dorcas exemplifies the intensity and danger of clandestine passion. Violet Trace, Joe's wife, becomes consumed by jealousy, revealing the destructive power of possessiveness in love. Despite its challenges, love also holds transformative potential as characters search for connection and redemption. Through poetic prose and evocative characterization, Morrison portrays love as a multifaceted emotion that drives characters' actions, shapes their destinies, and ultimately serves as a powerful force in their lives, adding depth and richness to the narrative. तो पहला थीम है लव एंड पैशन. ठीक है, इस थीम को टोनी मॉरिसन ने हाईलाइट किया है यूजिंग द लव ट्राइंगल और सिंपली द लव. ठीक है, एक तो ये बात है कि जो ट्रेस जो है उनकी वाइफ है वॉयलेट ट्रेस. ठीक है, लेकिन वाइफ के होने के बावजूद ही इज़ इन लव अफेयर, ही इज़ इन अ फॉरबिडन लव अफेयर एंड अ फॉरबिडन लव रिलेशनशिप विद अ 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल जिसका नाम है डॉर्कस. ठीक है, तो ये जो लव ट्रायंगल है, ये जो लव अफेयर है और ये जो फॉरबिडन लव है, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड और रिग्रेटफुल कंसीक्वेंसेस आ रहे थे. ठीक है, तो इस लव और पैशन का इफ़ेक्ट, उनका रिज़ल्ट जो है वो नॉवल में दो तरीक़ों से हमें मिलता है. ठीक है, एक रिज़ल्ट ये है कि उनका उन सबका जो है ना एक रिग्रेटफुल कंसीक्वेंसेज आ गए. ठीक है, ऐसे कंसीक्वेंसेज आ गए कि जिन पर उनको रिग्रेट करना पड़े, यानी कि इस लव और इस पैशन की वजह से नॉवल के अंदर मर्डर तक हुआ है. ठीक है, वो भी जॉन ने किसका मर्डर किया है, अपनी ही लव का, यानी कि डॉर्कस का मर्डर किया है कि जिसको वो लव करता था. तो एक तो ये कि डिस्ट्रक्टिव नेचर नॉवल के अंदर आ गई है बिकॉज ऑफ द लव, और दूसरी बात ये कि डिस्ट्रक्शन के बाद जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर काइंड ऑफ रिडेम्पशन भी आ गई है बिकॉज ऑफ द लव. तो लव और जो फॉरबिडन लव है या लव एंड पैशन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज दो तरह के हैं, एक डिस्ट्रक्टिव और दूसरा रिडेम्पशन वाला. ठीक है, तो ये आप इसको समझें. ठीक है, ये तो आपको अब तक बात समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपने पेपर के लिए या एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फॉर्मली याद करना ही लिखना है, तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को इनके में थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह भी करके लेके याद कर सकते हैं, ताकि अपने नॉवल के अंदर आपकी नॉवल की नहीं, आपकी एग्जामिनेशन और आपकी राइटिंग्स के अंदर भी डेप्थ आ जाए. ठीक है, समझ ले लिया तो अगर आप लोगों ने इफ़ यू वॉन्ट टू जॉट इट डाउन, अगर आप लोगों ने ये लिखना है तो पॉज द वीडियो एंड जॉट इट डाउन. बाकी थीम वही है जो मैंने आपको अभी बता दी. ठीक है, देन कम्स आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सेल्फ डिस्कवरी. ठीक है, अच्छा एक और बात इस के अंदर, एक पजेसिव नेचर ऑफ लव की भी बात थी. ठीक है, सिर्फ लव नहीं बल्कि पजेसिव नेचर ऑफ लव, ऐसी लव जिसके अंदर पजेसिवनेस पाई जाती हो. देखें, जो लव करता था डॉर्कस को, लेकिन जब उसने डॉर्कस को किसी और के साथ देखा तो उसके अंदर की जो उसके अंदर का जो पजेसिव नेचर है वो जाग उठा, और इसी पजेसिवनेस की वजह से उसने उसका डॉर्कस का मर्डर किया. तो वेर एवर देयर इज पजेसिवनेस इन लव, दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, दैट्स नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी लव रिलेशनशिप. ठीक है, उसके अलावा लव के अंदर जेलसी भी आती है. ठीक है, जब वॉयलेट जो है उन्होंने अपने हस्बैंड के रिलेशन के बारे में उनको पता लगा कि हर ऑन हस्बैंड इज़ इन लव रिलेशन विद सम अदर गर्ल, सम अदर यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसके अंदर जेलस वाला फैक्टर आ गया. ठीक है, उसके अंदर की जो जेलसी थी वो जाग उठी, और उस जेलसी की वजह से भी इस कैरेक्टर ने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस की हैं. तो लव के मल्टीफैसेटेड कहा, ठीक है, यानी कि लव के बहुत सारे फेसेस हैं. बाज़ दफ़ा लव इज़ पजेसिव, बाज़ दफ़ा इसके अंदर जेलसी आ जाती है, और बाज़ दफ़ा जब लव के अंदर पजेसिवनेस और जेलसी हद से बढ़ जाए तो इट कैन ऑल्सो लीड टू मर्डर योर ऑन लव एंड ट्रस्ट विद योर ऑन
हेन्स, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से, इस डिस्ट्रक्टिव नेचर की वजह से यहाँ की जो लव है वो थोड़ी सी यूनिक बन जाती है, ठीक है। लव का थीम तो वैसे हर नॉवल में हमें मिलता है, लेकिन इस नॉवल के अंदर एक ऐसी लव है जिसके अंदर पजेसिवनेस, जेलसी, इन सब की चीज़ों की वजह से उस लव के कॉन्सिक्वेंसेज डिस्ट्रक्टिव थे, तो इसलिए यह नॉवल को यूनिक बनाती है। देन कम्स आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन वो किस तरह से हैं, देखें। आइडेंटिटी क्राइसिस किसे कहते हैं? जब भी हम दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ के दरमियान कन्फ्यूज़ हो जाएं कि क्या हमारी आइडेंटिटी ये है कि वो है, क्या हम यहाँ के बिलोंग करते हैं कि वहाँ के, ठीक है। तो जब हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी ओरिजिन्स के बारे में कन्फ्यूजन होती है तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। और सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद के ओरिजिन्स को, खुद की आइडेंटिटी को डिस्कवर करना। तो खुद को डिस्कवर वही बंदा करेगा ना कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। अगर बंदे को अपनी आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन नहीं है तो वो डिस्कवर ही क्यों करेगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जिस बंदे में होगी वहीं खुद को डिस्कवर करेगा, उसी के अंदर सेल्फ डिस्कवरी होगी, ठीक है। द नॉवल रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स लाइक जो ट्रेस एंड वॉयलेट ट्रेस हु ग्रैपल विद देयर सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड देयर आइडेंटिटीज इन द चेंजिंग अर्बन लैंडस्केप ऑफ हार्लेम। हार्लेम एक अर्बन लैंडस्केप है, ठीक है। उसके अंदर टाइम के साथ साथ बहुत सारी अर्बनाइजेशन आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, तो इन चेंजेस की वजह से उनको अपने ओरिजिन को, अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने में स्ट्रगल्स पेश हो रही हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इन कैरेक्टर्स की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम हमें मिलता है। कैरेक्टर्स लाइक गोल्डन ग्रे एंड फेलिस सर्च फॉर देयर रूट्स एंड फैमिलियल कनेक्शंस लीडिंग टू डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर आइडेंटिटीज एंड प्लेस इन द सोसाइटी। यानी कि वो अपने, जैसे कि ये गोल्डन ग्रे जो है वो अपने फादर को ढूंढ रहा होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली कनेक्शंस को ये लोग एक्सप्लोर करें क्योंकि उनको सही तरह से नहीं पता है। तो इस तरह जब बंदा अपनी आइडेंटिटी को, अपने फैमिली कनेक्शंस को, अपने रूट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको सर्च आउट करता है, तो वहाँ पे जो है ना सेल्फ डिस्कवरी का थीम हमें मिलता है। कैरेक्टर्स वर रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लैक कलर क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस इन द नॉवल। अब मैंने आपको पहले बताया था कि नॉवल के अंदर जो ब्लैक पीपल हैं उनके एक्सपीरियंस का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो वो जो ब्लैक पीपल थे जब वो साउथ में थे तो उनको उनके कलर की वजह से रिजेक्शन हो रही थी, क्योंकि वो ब्लैक थे, उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रही थी। तो उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस इस वजह से थी कि वो तो थे उसी जगह के, लेकिन उनको ये कन्फ्यूजन थी कि क्या हम ब्लैक हैं तो मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसी जगह के हैं, ठीक है। इफ़ वी आर ब्लैक तो क्या इसका ये मतलब है कि हम उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम डिफरेंट हैं, क्या उसका ये मतलब है कि हम इस सोसाइटी एक्सेप्ट ना करें। तो इस वजह से उनके अंदर, सोसाइटी के अंदर, उन कैरेक्टर्स के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई थी, ठीक है। द नॉवल डेल्व्स इनटू द इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग रेस, जेंडर, सोशल स्टेटस, क्रिएटिंग अ लेयर्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सेल्फ परसेप्शन। देखिए, सेल्फ परसेप्शन मतलब हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो हम खुद के बारे में जो सोचते हैं ना, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, हमारा रेस, हमारा जेंडर, हमारा सोशल स्टेटस, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा सोसाइटी में क्या एक स्टेटस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इस नॉवल में इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है। कैरेक्टर्स रिविजिट देयर पास्ट एंड मेमरीज। कैरेक्टर्स क्या करते हैं, अपने पास्ट और मेमरीज को रिविजिट करते रहते हैं, यानी कि वो नॉस्टैल्जिया या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस का पता चलता है, और हमें यह भी पता चलता है कि उनके खुद के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है। यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से समझ सकते हैं। मेमोरी एंड पास्ट। द कैरेक्टर्स मेमरीज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप देयर एक्शंस एंड डिसीजंस थ्रू आउट द नॉवल। कैरेक्टर्स ऑफन रिविजिट देयर पास्ट रिफ्लेक्टिंग देयर चॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस एंड द नॉस्टैल्जिया ऑफ द पास्ट इन्फ्लुएंसेस देयर प्रेजेंट लाइव्स। जहाँ पे भी मेमोरी और पास्ट की बात हो ना, तो लिटरेचर में एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब है पुरानी यादें, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया जब हम किसी थीम के अंदर मेमोरी और पास्ट की बात करें तो वहाँ हमने नॉस्टैल्जिया का जिक्र ज़रूर करना है, ठीक है। तो नॉवल्स के, इस नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी, वो भी क्या करते हैं, अपने नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, यानी कि अपने पास्ट को रिविजिट करते हैं। वो देखते हैं कि उनके पास्ट की वजह से उनके ज़िंदगी पे क्या अफेक्टेड हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ठीक है। उन्होंने पास्ट में जो डिसीजंस लिए उनका उनकी प्रेजेंट जिंदगी पे क्या क्या इफेक्ट हो गया है। द नॉवल डेल्व्स इनटू द कैरेक्टर्स पास्ट रिवीलिंग हिडन ट्रुथ्स एंड सीक्रेट्स दैट इम्पैक्ट देयर करंट लाइव्स। जब हम नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स की मेमोरी और पास्ट को देखते हैं तो हमें उनकी हिडन ट्रुथ्स के बारे में और सीक्रेट्स के बारे में पता लगता है। The non-linear narrative style allows memories and past events to resurface seamlessly, adding depth to the character and their development. Non-linear narrative style के ज़रिए भी हमें memories और past, flashbacks, nostalgia के ज़रिए हमें novel के आधे plot
की एक्सप्लोरेशन इस तरह से होती है, ठीक है, नॉन लीनियर नैरेटिव किसे कहते हैं, ये हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नॉवल एक्सप्लोर्स हाउ कम्युनिटीज एंड फैमिलीज शेयर कलेक्टिव मेमोरीज। नॉवल के अंदर ये भी बात हुई है कि एक तो इंडिविजुअल मेमोरीज हुई, ठीक है, जो हर बंदे की अलग अलग हैं, इसके अलावा कलेक्टिव मेमोरीज की भी बात हो गई कि किसी पूरे कम्युनिटी की या किसी पूरी फैमिली की कलेक्टिव मेमोरीज क्या हैं कि जो उनकी आइडेंटिटी पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। डिज़ायर एंड जेलसी। डिज़ायर इस नॉवल के अंदर लव से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लव ट्रायंगल था तो उनके आपस में डिज़ायर भी था, और इसी लव और इसी डिज़ायर की वजह से उनके अंदर जेलसी का फैक्टर भी हमें मिलता है। थीम ऑफ डिज़ायर एंड जेलसी इन जेस बाय टोनी मॉरिसन इज अ प्रोमिनेंट एंड पावरफुल एलिमेंट इन द नॉवल। दीज इमोशंस ड्राइव द कैरेक्टर्स एक्शंस एंड डिसीजंस। इन्हीं की वजह से, यानी कि इसी लव, इसी डिज़ायर और इसी जेलसी की वजह से उन कैरेक्टर्स के अंदर क्या हो जाती है, उनके एक्शंस बन जाते हैं, उनके डिसीजंस बन जाते हैं, और उनके रिलेशनशिप्स भी इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से डेवलप होते हैं, ठीक है। द इलिसिट लव अफेयर बिटवीन जो ट्रेस एंड डॉकर्स इज फिल्ड बाई डिज़ायर एंड दिस कम टू देयर पैशन डिस्पाइट द सोसाइटल नॉर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। देखें, वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ब्लैक वाइट की डिफरेंसेस हैं, ठीक है, पहले से अमेरिकन अफ्रीकन की डिफरेंसेस हैं, तो उस सोसाइटी के अंदर एक ऐसा बंदा जो कि अपने 50s में है, ठीक है, उसकी एज 50s में है, वो एक लव रिलेशन में है किसके साथ, एक ऐसी लड़की के साथ जो कि 17 ईयर्स की है, तो ये एक फॉरबिडन लव है, फॉरबिडन रिलेशनशिप है। तो इनकी ये जो फॉरबिडन लव है, फॉरबिडन रिलेशनशिप है, इसकी वजह से नॉवल के अंदर बहुत सारे रिग्रेटफुल कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। द कैरेक्टर्स डिज़ायर्स आर पोर्ट्रेड विद इंटेंसिटी। नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स के डिज़ायर्स हैं उनको इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया, इंटेंसीफाई किया है, जैसे जेज म्यूजिक के अंदर इमोशंस को इंटेंसीफाई किया गया था, इसी तरह नॉवल के अंदर भी इमोशंस को इंटेंसीफाई किया गया है, ठीक है। वॉयलेंट ट्रेस जेलसी ओवर जोज अफेयर विद डॉकर्स लीड्स हर टू कमिट अ वॉयलेंट एक्ट इलस्ट्रेटिंग द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ जेलसी इन लव। अब जेलसी का फैक्टर किस कैरेक्टर में हमें मिला, सबसे ज़्यादा वॉयलेंट में मिला, जब उसको पता लगा कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ लव अफेयर में है, ठीक है, तो उसके अंदर जेलसी वाली फैक्टर जाग उठी। और जब जो ने खुद अपनी लव इंटरेस्ट को, यानी कि डॉकर्स को मर्डर किया, तो ये जो है ना, ये जो वॉयलेंट हैं, जो की वाइफ, वो एक छुरी लेके उनके जनाजे पे गई थी कि वो क्या करे वहाँ पे, उसको डिस्ट्रक्ट करे, उसके जनाजे को, उसकी डेड बॉडी को डिस्ट्रक्ट करे, उसके साथ वॉयलेंट नेचर शो करे, ठीक है। तो ये जेलसी की वजह से नॉवल के अंदर डिस्ट्रक्शन आ गई। डॉर्कस वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ जेलसी। और डॉर्कस का जो कत्ल हुआ वो भी जेलसी की वजह से हुआ, वो भी पजेसिवनेस की वजह से हुआ, क्योंकि जो था उसको ये बात मंजूर नहीं थी कि उसकी अपनी लव इंटरेस्ट किसी और के साथ जाके रिलेशनशिप बनाए, तो जेलसी की वजह से ही एक मर्डर भी हुआ था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, यानी कि जो हम एक्शंस करते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। तो द नॉवल ओपन्स विद द एक्ट ऑफ मर्डर कमिटेड बाय जो ट्रेस हुज इम्पल्सिव एक्शन सेट्स द टोन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंसीक्वेंस दैट फ्लोज कंसीक्वेंसेज दैट फॉलो, ठीक है। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में भी ना जनरली जो भी एक्शन करते हैं उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है जो कि बहुत देर तक हमारे साथ चलता है, ठीक है। जो भी आप काम करें उसका कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में आता है। तो नॉवल जो शुरू हुई वो किस सीन के साथ शुरू हुई, इस सीन के साथ कि जब जो ट्रेस ने अपनी अपनी डॉर्कस को, यानी कि अपनी लव इंटरेस्ट को मर्डर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्शन, ये जो एक्शन है, द एक्शन ऑफ मर्डर, इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, इस मर्डर की वजह से उन सबकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके बारे में हमें आगे नॉवल में पता लगता है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जोज एक्शन एक्सटेंड बियॉन्ड द इमीडिएट एक्ट ऑफ वायलेंस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ डॉकर्स पॉलिट एंड अदर्स कनेक्टिंग टू द इवेंट। इसके इस एक्ट की वजह से सिर्फ वायलेंस ही नहीं हुई थी बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में चेंजेस आ गई थी, वॉयलेट की ज़िंदगी में, और बहुत सारे भी जो कैरेक्टर्स हैं उन सबकी ज़िंदगी में भी उस एक मर्डर की वजह से चेंजेस आ गई थी। यानी कि आपका जो एक एक्शन है वो आपकी पूरी कम्युनिटी पे अफेक्ट कर सकता है। द कैरेक्टर्स ग्रैपल विद द इमोशनल फॉल आउट ऑफ देयर एक्शंस शोइंग हाउ देयर चॉइसेस कैन लीड टू गिल्ट। अब नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स ने कुछ ऐसी चॉइसेस ली कि जिनकी वजह से उनको गिल्ट का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो चॉइस लेना एक एक्शन है और उसका कॉन्सिक्वेंस गिल्ट है, तो इस तरह एक्शन और गिल्ट आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं कि अगर आप कोई जो कोई चीज़ चूज़ करें और वो बाद में आपको गिल्ट का सामना करना पड़े, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफन फेस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। अनइंटेंडेड, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे रिजल्ट जो कि इंटेंडेड नहीं थे, जो आपने जानबूझ के नहीं किया था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे, फिर भी वो एक्शंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, तो इनको कहते हैं हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, वो भी कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में थे। द थीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन अंडर स्कोर्स द नॉवल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड लेसन्स कैरेक्टर लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। अब कैरेक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी में जो एक्शंस किए
उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज आ गए उनकी वजह से कैरेक्टर्स को खुद भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक लेसन मिला, लेकिन साथ साथ में रीडर्स को भी ये लेसन मिलता है कि हमारे एक्शंस किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे अफेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड आइसोलेशन, द हार्लेम कम्युनिटी सर्व्स एज बैकड्रॉप फॉर नैरेटिव हाईलाइट्स द थीम ऑफ कम्युनिटी एंड आइसोलेशन, व्हाइल द कम्युनिटी ऑफर सपोर्ट एंड कनेक्शन इट ऑल्सो ग्रैपल्स विद डिवीजन एंड इंडिविजुअल एलियनेशन। द नॉवल इज सेट इन वाइब्रेंट नेबरहुड ऑफ हार्लेम ड्यूरिंग द जेजीज एज, एम्फसाइजिंग द क्लोज निट नेचर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी एंड इट्स रिच कल्चरल लाइफ। द कैरेक्टर्स लाइव्स आर इंटरकनेक्टेड इन देयर एक्शंस। ठीक है, कम्युनिटी हम किसे कहते हैं, जहाँ पर लोग मिल के रह रहे हैं, ठीक है, और आइसोलेशन का मतलब है आप लोगों से अलग रह रहे हैं। तो आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए भी आइसोलेशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, यानी कि ये पॉसिबल है कि आप एक सोसाइटी में रहते हुए भी आप एलियनेशन में हैं, यानी कि आप एलियन की तरह लोगों से डिफरेंट है, लोगों से अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, हम ये बताएं कि जो कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, उनकी लाइफ्स क्या हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, उनको एक दूसरे की ज़िंदगी पर अफेक्ट्स हैं क्योंकि वह कम्युनिटी में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो आइसोलेटेड भी है। ठीक है, जो का कैरेक्टर है वो बाकी सोसाइटी आइसोलेटेड भी है। वॉयलेट का कैरेक्टर है वो भी आइसोलेटेड है, एक तो ये कि उनका कलर ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक कलर की वजह से उनको सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा, और दूसरा ये कि उनके अपने एक्शंस, उनके अपने ज़िंदगी के चॉइसेस भी उनको क्या करते हैं, लोगों से आइसोलेट करते हैं और एलियनेट करते हैं। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, द नॉवल एक्सप्लोर्स जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअलिटी पर्टिकुलरली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। वॉयलेट डॉकास एंड एलिस मैनफोर्ड चैलेंज द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स इन देयर परस्यूट ऑफ ऑटोनॉमी एंड लव। अब नॉवल के अंदर इस थीम को ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स के जरिए शो किया। ठीक है, वॉयलेट डॉकास और एलिस मैनफोर्ड जो हैं उनको सोसाइटी के अंदर क्या एक्सपीरियंसेस फेस करनी पड़ती हैं, लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो उनको किस तरह से चैलेंज करते हैं, तो इन कैरेक्टर्स के जरिए ये थीम हाईलाइट हुआ हुआ है। द नॉवल पोर्ट्रेज द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, नॉवल के अंदर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स मिलते हैं कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या हैं, कि मेल डोमिनेटेड हों, फीमेल सिर्फ घर तक महदूद हों, काम करें ये वो। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेडिशनल रोल्स के बारे में हमें पता लगता है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सोसाइटी एक वीमेन से या एक फीमेल से यही एक्सपेक्ट करती है कि वो सिर्फ घर तक रहे, ठीक है, बाकी वो उनकी कोई प्रोफेशनल वगैरह लाइफ ना हो, उनकी लाइफ लिमिटेड हो ये वो, तो इस तरह की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को भी इस नॉवल के अंदर हाईलाइट किया है। एंड पर्टिकुलरली हाउ दे शेप देयर कैरेक्टर्स एक्शन एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रिलेशनशिप्स और एक्शंस को किस तरह से शेप करती हैं। कैरेक्टर्स लाइक डॉकस एंड जो एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी एज अ मीन्स ऑफ पर्सनल लिब्रेशन, सीकिंग फुलफिलमेंट एंड पैशन बियॉन्ड सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी की जो नॉर्म्स थी उन नॉर्म्स को या फिर ये कहें कि वॉयलेट करते हुए इन लोगों ने एक रिलेशनशिप बनाई थी। ठीक है, तो ये भी है कि हम किस तरह से, ये कैरेक्टर्स किस तरह से एक सोसाइटी के नॉर्म्स को अवॉइड करते हुए या फिर उनको वॉयलेट करते हुए रिलेशनशिप बना रहे थे। द कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी समटाइम्स क्लेश विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल टर्मोइल, तो इसकी वजह से उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, इमोशनल टर्मोइल, क्योंकि सोसाइटी के साथ ये चीज़ रिलेट नहीं करती है, तो जहाँ पे भी दो चीज़ें रिलेट हों, डिफरेंट हों, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी, तो इस वजह से भी नॉवल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गई। ठीक है, उसके अलावा सैम्बल्स, जेज म्यूज़िक, म्यूज़िक खुद एक सैम्बल है। ठीक है, म्यूज़िक के बारे में, यानी कि इस टाइटल के बारे में हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कशन की है, तो ये जो जेज म्यूज़िक है वो कैरेक्टर्स की लाइफ को सिंबलाइज करती है, वो उनकी लाइफ सिचुएशंस को सिंबलाइज करती है। द सिटी ऑफ हार्लेम, हार्लेम की जो सिटी है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, वो कल्चरल रेनेसां को सिंबलाइज करती है, क्रिएटिविटी को सिंबलाइज करती है, कैरेक्टर्स ने जो स्ट्रगल्स फेस किए उनको सिंबलाइज करती है। ठीक है, उसके अलावा गोल्डन वायलिन, गोल्डन वायलिन जो है वो डॉर्कस का था। ठीक है, वो उसके टैलेंट और एल्यूर को सिंबलाइज करता है कि वो वायलिन यूज़ कर सकती थी, मतलब ये कि शी वॉज टैलेंटेड ड्राइंग अदर्स टू हर। ठीक है, जब भी कोई म्यूज़िक बजाता है ना तो लोगों की अटेंशन उसकी तरफ जाती है, तो डॉर्कस के पास वायलिन बजाने की एबिलिटी थी, यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो लोगों को क्या करे, खुद की तरफ अट्रैक्ट करे। राइट, देन कम्स बर्ड केज, बर्ड केज मतलब पिंजरा। ठीक है, तो वायलेट अपने बर्ड्स को बर्ड केज में रखती थी। ठीक है, बर्ड्स जनरली किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, मतलब बर्ड सिंबलाइज लिबर्टी, बर्ड फ्रीडम को शो करते हैं, तो ये अपने बर्ड्स को बर्ड केज में रखती थी, विच मीन्स दैट इनकी जो फ्रीडम थी, इनकी जो लिबर्टी थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, वो बर्ड केज में बंद थी, ये भी एक सिंबल है। उसके अलावा वुड स्कल्पचर्स, वो वुड स्कल्पचर्स जो वो बनाता था, ठीक है, यानी कि मुजस्मे जो बनाता था लकड़ी के, वो भी एक सैम्बल हैं। किस चीज़ के सैम्बल हैं, हिज एसेंस ऑफ पीपल ही लव्स, यानी कि वो जिन लोगों को वो लव करता है
उनके बारे में वो क्या थिंकिंग रखता है, या फिर उनको वो कैसे शेप करता है, उनको वो कैसे स्कल्पचर जैसे बनाते हैं उस तरह से बनाता है, तो इस चीज़ को भी सिंबलाइज करती हैं वुड स्कल्पचर्स। उसके अलावा देखें, अब वो वुड के ज़रिए चीज़ों को बनाता था अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने डिज़ायर के मुताबिक, तो ये इस बात को सिंबलाइज करती है कि जो जो था उसके अंदर ये चीज़ थी कि वो लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो लोगों की ज़िंदगी को अपने मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक उनको चलाना चाह रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि डॉर्कस उसकी पसंद के मुताबिक चले। लेकिन जब डॉर्कस ने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनानी शुरू की तो उसने उसको कत्ल किया, क्योंकि वो ये चाहता था कि लोगों की ज़िंदगी पे उसका कंट्रोल हो। तो जनरली भी जो लोग ये करते हैं ना कि दूसरों की लाइफ्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेज उनकी ज़िंदगी में आते हैं। ठीक है, एक फोटोग्राफ भी था नॉवल के अंदर जो कि सिंबलाइज करता है मेमोरी को, नॉस्टैल्जिया को, पास्ट मेमोरीज़ के पावर को। रेड क्लॉथिंग द रिकरिंग मोटिव, मोटिव यानी कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो इस नॉवल के अंदर एक रेड क्लॉथिंग रिपीट हुई थी जो कि सिंबलाइज करती है पैशन को, डिज़ायर को और इंटेंसिटी को, क्योंकि रेड कलर जो है उसके अंदर इंटेंसिटी होती है। ठीक है, उसके अंदर इंटेंसिटी है, तो रेड क्लॉथिंग जो है वो भी इंसान के इमोशन को, इमोशंस की इंटेंसिटी को सिंबलाइज करता है। ठीक है, डॉर्कस एंड वॉयलेट आर ऑफन एसोसिएटेड विद द कलर रेड। डॉर्कस और वॉयलेट जो है उनको ज़्यादातर रेड कलर से एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। ठीक है, उसके अलावा द सिल्वर मैन, द मिस्टर सिल्वर मैन हु अपीयर्स थ्रू आउट द नॉवल सिंबलाइजेस डेथ एंड हॉटिंग प्रेजेंस ऑफ द पास्ट। एक सिल्वर मैन है जो कि इस बात को सिंबलाइज करता है कि डेथ, ठीक है, डेथ और पास्ट के हॉन्टिंग प्रेजेंस, यानी कि हमारा पास्ट हमारे साथ होता है, हमारा पास्ट, हमने पास्ट में जो कुछ किया होता है वो हमारे साथ जिंदगी में, हमारे प्रेजेंट में चल रहा होता है, तो इसको भी ये सिंबलाइज करता है कि जो सिल्वर मैन है वो नॉवल के अंदर बार बार अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने पास्ट में जो एक्शंस किए हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी प्रेजेंट लाइफ में चल रही होती हैं। वाटर है, वाटर क्या करती है, क्लिनजिंग को सिंबलाइज करती है एंड रिन्यूअल इन द नॉवल। जहाँ पे भी वाटर होगा ना वो पुरानी चीज़ को धोएगा और वहाँ से एक नई चीज़ शुरू होगी, तो इसी तरह नॉवल के अंदर भी पास्ट को क्लिनज करता है और नॉवल के अंदर एक रिन्यूअल आ जाती है बिकॉज ऑफ द वाटर। ठीक है, जो और वॉयलेट जो हैं वो दे आर ड्रॉन टू वाटर, ठीक है, वो वाटर में ड्रॉन हो गए थे, इसका मतलब ये है कि वो काइंड ऑफ उनकी रिडेम्पशन हो गई थी। ठीक है, वो अपने एक्ट्स पे थोड़े से रिडेम्प्ट है, और ये जो है ना वाटर इस चीज़ को सिंबलाइज करती है रिन्यूअल इन द नॉवल या फिर क्लेंजिंग। दैट्स ऑल अबाउट थीम्स एंड सैम्बल। इस वीडियो में हमने थीम्स और सैम्बल्स की बात की, इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इस वीडियो की लिंक उस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, सो देयर विल बी काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें देन कम टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, स्पेशली डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।